ये इंद्र का छोटा भाई है, क्या नाम बेटा आपका? नरेश। तो उसी के साथ उसी स्कूल में पढ़ता है जिस स्कूल में इंद्र के साथ एक घटना घटित हुई थी। आपके सामने एक मासूम बच्चा है, अब ये खुद बताएगा बेटा क्या हुआ था, क्यों मारवाड़ी में इसका गुरु मां साहब ने क्यों मारा था इंद्र को? मटके में से पानी पीने, सुन लो आप, मटके में से पानी पीने। आप उस दिन स्कूल में थे? स्कूल में थे? आपने आवाज सुनी थी मारने की? देखा था आपने? ये मासूम बच्चा, जिस दिन उस मासूम बच्चे इंद्र को बहरहमी से पीटा जा रहा था, सब दोष ये था कि वो छोटी जाति से आता था। उसने अपराध ये किया था कि बड़ी जाति से आने वाले शिक्षक छेल सिंह की मटकी से पानी पी लिया, और सारा वाकया सारी घटना इस मासूम बच्चे ने आंखों से देखी। साथ ही उस परिवार में पिछले 2 घंटे से हूं, ये वीडियो से बना रहा हूं ताकि आप लोग सच्चाई पता पड़े, क्योंकि यहां पर नेट बंद है और ये उसके पिताजी। मैंने इनसे खूब पूछ लिया कि हम इस लड़ाई में आज अभी इसी वक्त धरने पर बैठना चाह रहे हैं जालौर के अंदर, लेकिन पता नहीं है डरे हुए हैं सेमियों, क्योंकि भीड़ियां हैं नहीं। आप देखिए भीड़ियां गिरते के 150 लोग है, ये धरने पर बैठने के लिए तैयार नहीं है। 2 घंटे से मैं इनको समझा रहा हूं, लेकिन शायद ये डरे हुए हैं, क्योंकि पब्लिक जब कम होती है तो अच्छा अच्छा आदमी डर जाता है। लेकिन हम जाते हुए मेवाराम जी, हम आपसे एक वादा करके जा रहे हैं, एक वचन देके जा रहे हैं, जब भी याद करोगे, अभी आपके इंद्र के जो मामा है उन्होंने कहा साहब हम बैठेंगे तो सही, तो मैंने कहा आप जब भी याद करोगे, जब भी बैठोगे हमें फोन कर देना, चंपाराम जी हमें फोन कर देना, ये बच्चे के मामा है, हम यहाँ पे आ जाएंगे। आज आप लोग से मैंने खूब पूछ लिया है 2 घंटे से, आज आप लोग धरने बैठने के लिए तैयार नहीं हो, लेकिन मैं तो एक ही बात कह जाऊंगा, अपने आप को इस लड़ाई में अकेले मत समझना, ठीक बेटा? वही की तू कह डेढ़ कोड़ा थोड़ा मारा मटका मारे थे मारा कहे थे हाथ दी दो।